व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो के नए डिवाइस के बारे में, ओप्पो रीनो 4 और रीनो 4 प्रो के बारे में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो डिस्कस करने वाले क्या कुछ इनकी स्पेसिफिकेशन है और क्या इनका प्राइस है। साथ ही ये लॉन्च हो चुके हैं, तो बात करते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन और प्राइस को। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, नीचे रेड बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। तो यहाँ पर जो ओप्पो रीनो 4 है, ओप्पो रीनो 4 और 4 प्रो जो इंडिया की मार्केट में फिलहाल लॉन्च नहीं हुआ है, फिलहाल इसे चीन की मार्केट में लॉन्च किया गया है और बहुत ही जल्दी ये आपको इंडिया की मार्केट में देखने को मिलेगा। तो जो स्पेसिफिकेशन रहने वाली है वो सेम रहने वाली है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो पहले हम इसके डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो मोबाइल की फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही पतले बेजल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ट्रिपल कैमरा होने वाला है दोनों ही डिवाइस में, और यहाँ पर जो आपको फ्रंट में एक में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और एक में सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो और बात करें और जो स्क्रीन क्वालिटी है, मुझे देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है और बहुत ही पतले बेजल्स हैं और लुक वाइज डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है इस मोबाइल का। और सबसे पहले हम बात करते हैं इनके स्पेसिफिकेशन की और बाद में इसके प्राइस को लेकर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं नज़र इनके स्पेसिफिकेशन की। पहले हम प्रो की बात कर लेते हैं। ओप्पो रीनो प्रो की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, ये एंड्रॉयड 10 पर आधारित कलर ओएस 7.2 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है ये डिवाइस। 19 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट के साथ आने वाला है ये डिवाइस। और यहाँ पर आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है। और प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 765 प्रोसेसर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। और इसमें आपको अप टू 12 GB तक इसका जो टॉप मॉडल होने वाला है और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट। और स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाला है दोनों ही डिवाइस में। अगर बात करें प्रो की, तो यहाँ पर जो आपको 48 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा और इसी के साथ 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आपको दिया जाएगा। और इसी के साथ आपको 13 MP का टेलीफोटो लेंस यहाँ पर आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको लेजर डिटेक्शन, ऑटो फोकस, लेस फंक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो और बात करें ओप्पो रीनो प्रो की, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की। तो यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है 32 MP का इसका फ्रंट कैमरा होने वाला है। पंच होल डिजाइन में आपको यहाँ पर कैमरा प्रोवाइड करवाया गया है। और बात करें तो यहाँ पर आपको फोन का जो चार्जिंग स्पीड है वो बहुत ही कमाल का रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको 65 W का सुपर बूट 2.0 यहाँ पर आपको चार्जिंग स्पोर्ट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ 4000 mAh की आपको बैटरी यहाँ पर इस डिवाइस में देखने को मिलेगी। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रहने वाला है। और जो खास बात है 5G डिवाइस भी होने वाला है और माइक्रो USB टाइप सी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और यही कुछ स्पेसिफिकेशन इसी ओप्पो रीनो 4 प्रो की। अब बात कर लेते हैं ओप्पो रीनो 4 की। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन बहुत हद तक सेम है, कुछ डिफरेंस है तो आप लोग देख ही लेना, बीच में मैं बता भी दूंगा। ओप्पो रीनो 4 में एंड्रॉइड 10 पर आधारित कलर ओएस 7.0 ऑपरेटिंग सिस्टम सेम रहने वाला है। और स्क्रीन साइज की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिल जाएगा इस डिवाइस में। और बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर है सेम रहने वाला है, स्नैपड्रैगन का 765G चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। और बात करें तो 8 GB रैम और 256 GB का अप टू वेरियंट होने वाला है। तो यहाँ पर वेरियंट में भी कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर बात करें कैमरा की, तो कैमरा जो होने वाला है ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाला है। 48 MP का इसका प्राइमरी सेंसर होने वाला है और 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 MP का मैक्रोन कैमरा। और यहाँ पर आपको कैमरा में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, मैक्रोन लेंस आपको देखने को मिलेगा, टेलीफोटो लेंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। और इसी के साथ वही फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे, लेजर डिटेक्शन, ऑटो फोकस आपको फंक्शन देखने को मिल जाएंगे इस डिवाइस में। तो ओप्पो रीनो 4 में आपको डुअल पंच होल में कैमरा सेटअप दिया गया है। फ्रंट की बात कर लेते हैं अब, तो यहाँ पर आपको 32 MP और 2 MP का आपको फ्रंट में कैमरा दिया गया है। तो यहाँ पर जो फ्रंट में कैमरा दिया गया है, ये कैमरा प्रो में होना चाहिए तो बढ़िया लगता था। चलो
आगे बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पर जो आपको स्पीड देखने को मिलेगी चार्जिंग, वही 65 वॉट का सुपर वूक 2.0 सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। 4000 mAh की बैटरी होने वाली है, 5G सपोर्ट करने वाला है ये डिवाइस, और बाकी सारी स्पेसिफिकेशन वही रहने वाली है, इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट और 5G कनेक्टिविटी, यूएसबी टाइप सी चार्जिंग केबल, और यही कुछ स्पेसिफिकेशन इसी ओप्पो रिनो 4 की। अब बात कर लेते हैं इसके मेन मुद्दे की, प्राइस की। तो बहुत लोग इसके प्राइस को जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, तो बात करते हैं इसके प्राइस की। तो अभी चीन की मार्केट में लॉन्च हुआ है, प्राइस जो रहने वाला है इसके आसपास ही इंडिया के मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। तो बात करते हैं प्राइस की। ओप्पो रिनो 4 प्रो का 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज की वेरिएंट की बात की जाए तो इसका जो प्राइस होने वाला है, मैं इंडिया के प्राइस के बारे में बता रहा हूँ, 40,000 रुपये के आसपास इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। और 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो 45,800 रुपये में आपको ये देखने को मिल रहा है। अगर बात कर ले ओप्पो रिनो 4 की, तो यहाँ पर जो 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट, उसकी जो कीमत होने वाली है 32,000 रुपये इसकी कीमत है। अगर बात करें 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट, तो यहाँ पर जो इसकी कीमत है, तो यहाँ पर जो इसकी कीमत है 35,500 रुपये आपको देखने को मिलेगी। तो प्री ऑर्डर के लिए शुरू हो गई है चीन में, तो 12 जून से इसकी बिक्री स्टार्ट है। तो ये कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको ये डिवाइस अच्छे लगे हो। आपका की क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपको कैसा लगे ये डिवाइस ओप्पो रिनो 4 और 4 प्रो। देखते हैं कब तक के लिए इसे इंडिया के मार्केट में लॉन्च किया जाता है, जैसे कुछ और अपडेट मिलती है इन्हीं डिवाइस के बारे में और आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो नीचे रेड बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और लाइक भी कर देना। तो ये थी कुछ आज की वीडियो, तो मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।